कि भाई इतना जोश दिख रहा है कार्यकर्ता में, बहुत ही एक एक्साइटेड है। तो इस बार बिल्कुल आप लोगों के पांच साल के बाद मौका मिलता है और आपने सही जगह होर लगानी है। कली जी, आज आप जो है रेसलिंग छाड़कर जो बीजेपी में शामिल हुए, क्या कारण है? कारण एक ही है कि भाई मतलब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो एक उनकी जो एक सोच है देश के प्रति कि देश को कैसे आगे लिया जाए और जो बेरोजगार है उनको कैसे एक नौकरी प्रोवाइड किया जाए, जो मेरा पंजाब नशे पे दस्त हुआ है इसको कैसे नशे से निकाला जाए, हमारे पंजाब में जो एक स्पोर्ट्स है आज से अगर 20-25 साल देखिए बहुत आगे थी हमारी स्पोर्ट्स पूरे हिंदुस्तान पे और आज बहुत पीछे चली गई। तो उसके जो उनकी एक सोच है उसके प्रति, देश के प्रति, पंजाब के प्रति उनकी जो एक आइडियोलॉजी है, उनकी सोच के कारण मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। क्या मकसद लेकर जो है बीजेपी में आपने काम शुरू किया है? मकसद एक ही है कि देश को आगे लेके जाना है, क्योंकि देश हमारा बहुत पीछे चला गया है और अगर हम देखिए पूरे हिंदुस्तान में ना तो ऐसा प्रधानमंत्री पहले था ना शायद ही आगे होएगा, और जो उनके पास एक विजन है बहुत ब्राइट विजन है और उसी को देख के मैंने भाजपा को ज्वाइन किया। खाली जी, इतनी पार्टी है, सिर्फ बीजेपी ही क्यों? बीजेपी क्यों? क्योंकि एक ही बंदा है प्रधानमंत्री जी, जिनके मतलब एक राष्ट्र को कैसे मतलब एक इंटरनेशनल के लेवल पे लेके जाना है। नकोदर वालों को क्या मैसेज होगी आज? हॉकी बॉल पे मोहर लगानी कि 5 साल के बाद ये मौका मिलता है और आपने इसका मतलब एक सही जगह पे आपने मोहर लगानी है, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं आप लोगों को मिलना और तकड़े होकर करना, कि मेरे को लग रहा है कि इस बार हमारी जो बीजेपी की इसकी मतलब स्वागत है। तुम देख रहे हो NNR न्यूज से, मैं तुम हरदीप। अज नकोदर में ग्रेट खली आए सन, पर उस तो आके वह चले गए, पर उस तो बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुई, काफ़ी ज़्यादा लोग एकत्र हुए फोटो खिंचवाने लिए इतने इकट्ठे हुए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हुई। उस तो बाद एक दिग्गज नेता आप कह सकते जिन्हों के सिर पर पूरी कमान है, जिन्हें बड़ी बेखूबी सारा कुछ अरेजमेंट भी किया और लगातार वो चोन प्रचार भी कर रहे भारतीय जनता पार्टी और शमी कल्याण लिए चोन छाने जो उन्होंने हाकी बोल है और साढ़े नाल ने। सर, सब तो पहला तुहाडा बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, अज तकरीबन 6 तो 7 हो गए लगातार मेहनत लगातार कर रहे हो, कितने भी देखते हो तुम मौजूद होने, कि रिस्पोंस कि हंगारा और जो हाई कमान है कि किस तरह नज़र देख रही है सारा प्रोग्राम? मैं इस सीट नू जिहड़ा हैगा बड़ा अपना जिहड़ा प्रेस्टी इशू बना के इस सीट नू लड़ रहे हैं, क्योंकि इत्थे शमी कुमार जी साढ़े जो कि कर्मकट कार्यकर्ता रहे ने, प्लस जिहड़े इन्हां दे अफसर रहे ने, इन्हां ने अपनी बड़ी ही पोलिटिकल माइलेज वास्ते इन्हां ने जिहड़ी हुण ज्वाइन कीती हैगी है बीजेपी दे नाल, जोड़ी अपने पंजाब लोग कांग्रेस है वो असी सांझे उम्मीदवार बनाए है। रही गल जी तुसीं कही हैगी है कि मैं इत्थे 6-7 दिनों तो लगा, ये मैनू आदेश है कि ने हाईकमान के दोनों जिहड़े हाईकमान के उत्थे बैठे ने साडे पदाधिकारी उन्हां वालों आदेश है, ये जिम्मेवारी तुसीं जाके नकोदर दे विच लैनी है। देखो जी, कहते कि एक बंदे दे विच एक गुण होंदा, पर मैनूं लगदा तुहाडे सारे गुण ही संपूर्ण है, सारा काम ही चक्की जांदे फट्टे, कहड़ा बंदा जो चलो चल हो रही है लगातार? कोई गुना की गल नहीं है दे विच, परमात्मा ने सब नू गुण दिते है, मैनू भी उदा दे ही दिते है, पर यह हैगा कि मैं इस जिम्मेवारी अगर लिया हैगा तो इत्थे दे जिहड़े बीजेपी के कर्मकंठी जिन्ने भी नकोदर के कौंसी दे उच्च नूर महल विलगा उन्हां लोकां ने बहुत ही तन मन दे नाल जिहड़ा मैनू इत्थे अपने विच रखिया हैगा और मेरा इदा इज्जत मान किया, अगर मैं किसी के कोल भी गया हैगा तो उन्होंने मेरी गल मन के पार्टी वास्ते पंजाब लोग कांग्रेस वास्ते हुम हुमा के जड़े है नाल चल के इनू बीड़ा चुके हैगा कि आप इतों शमी कुमार जी जिता के भाई नरेंद्र मोदी जी दे जड़े कि अपने कैप्टन अमरिंदर सिंह है उन्होंने हथ मजबूत करने हैं। सर, की लगता है हूँ तक किन्ने परसेंट तुम हल्का नकोदर कामयाब हो चुके हो?
असी जिस दिन तो आप आए हैगे हैं ये सारी मेहनत जिहड़ी है बीजेपी की है। ये सारा मैं बिल्कुल साफ लफ्ज़ च कहांगा कि इहदे विच सारे बीजेपी के अधिकारी और बीजेपी के कार्यकर्ता की है, क्योंकि पीएलसी का हाले संगठन इत्थे बन रहा सी तां इन द मीन टाइम इलैक्शन अनाउंस हो गए और सानू कैंडीडेट भी जिहड़ा हैगा लिआना पिया हैगा जय शमी कुमार जी नूं। और इस दे विच जिथे कि पीएलसी का संगठन नहीं है, ये जिन्नी भी इत्थे बीजेपी ने जोर लगाया मैं उन्होंने तह दिलों धन्नवादी हाँ। और मैं आस करता हैगा कि जिहड़ा कि परसेंटेज जितती हैगी है वो ये 100% पूरी करनगे और शमी कुमार जी ने इत्थों जिता के भेजणगे। सर ग्रेट खली भी जाया सी कैशके ते भीड़ फोटो खिचवाउण दे लगी सी जो उन्होंने संजोगी मित्र से काफ़ी ज़्यादा इत्थे, किस तरह देखते हो सर अज्ज खली जी दे बीजेपी आने से पहला मैं स्वागत करदा। और दूसरी गल ये है कि खली जी का प्रभाव जिहड़ा खाली नकोदर पंजाब जां हिंदुस्तान च नहीं वर्ल्ड दे विच है, वो एक वर्ल्ड फेम पर्सनैलिटी है। उन्होंने इत्थे आए इत्थे दे टोटल वसनीकों का बेशक वह किसी भी पार्टी में बिलोंग करते उन्हों का एक प्यार है सी खली जी ना, और वो चाहते सी खली जी वेखना। तो इतने तुम देखा कि हज़ारा की तादाद लोग आए और लोगों ने उन्होंने सैल्फिया खिंचाइया और उन्होंने पार्टी का प्रचार किया और उन्होंने बड़े ही स्पष्ट लफ्जा च कहा कि मैं राष्ट्रवाद लई मोदी जी के नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की पार्टी नाल खड़ा। और उन्होंने एक बड़ी विशेष तौर पर एक गल कही कि इतने चोन निशान कित भरावो इस नकोदर वासी हो कित फुल ना देखते दे रहीओ, ये जोड़ा इतने का हॉकी बॉल है, हॉकी बॉल है और इस ते ही तुम जोड़ा है इनू कामयाबी करनी है। सर आने वाले टाइम इदा के जो क्या कि ग्रेट खली आए होर भी चेहरे इदा के आ सकते हैं? हाँ जी, सानू बड़े हाईकमान वालों जोड़े है नवे चेहरे मिल रहे हैं, वो मैं समझता है माही जो सानू ज्वाइन बीजेपी ने किया और पंजाब पंजाबी जी है एक्ट्रेस है उन्होंने कार्यक्रम भी मेरा ख्याल एक दो दिन बनन जा रहा है। हल्का नकोदर वासियों की अपील करना चाहो, की कहना चाहोगे? मैं जलंधर नूं बिलोंग करदा, मैं इत्थे आके नकोदर का सारा एरिया घूमया हैगा और मैं देखिया हैगा नकोदर की जिहड़ी बदहाली बहुत माड़ी हैगी है। इत्थे किसी भी तरह की सुचारू व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है और रोड साइड सारी माड़ी है। और इन सारिया चीज़ों की जिहड़ी मैं नकोदर वासियों नूं अपील करदा कि तुसीं एक बारी मोदी जी के नाते डबल इंजन सरकार के नाते कैप्टन जी के नाते ढींसा जी के नाते ये जी तीन बंद गंगा जमुना तहजीब जी है सरस्वती की बनी है और राष्ट्रवाद के उत्ते जी आधारित बनी है। तो जिदा कैप्टन साहब ने राष्ट्रवाद वास्ते अपनी चीफ मिनिस्टर की जी है कुर्सी भी गवानी पई उन्होंने, क्योंकि वो राष्ट्रवाद के नाल मोदी जी के नाल बिल्कुल सांझे तौर पर सी, ये कांग्रेस में किसी ना कि चुभती सी, इस करके उन्होंने उन्होंने जलील करके उन्होंने इग्नोर करके उन्होंने इस जगह तो हटाया और इसका हरजाना उन्होंने भुगतना पेगा। और ये इलैक्शन के जिहड़ी हैगी उन्हां दे लवर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे लवर और मोदी जी दे लवर ये दस देणगे कि आपां जिथे भी खड़े हैं राष्ट्रवाद नाल और इन्हां तिन्हां अपने जिहड़ी सहयोगी गठबंधन उहदे नाल खड़े हैं।